नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम। आज का हमारा विषय है मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव साल 2023। 13 मार्च को मंगल वृषभ राशि को छोड़कर वायु तत्व की राशि मिथुन में बुध के घर में आ चुके हैं। पौने दो महीने लगभग यहीं पर रहेंगे। मंगल के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा और विशेष रूप से 4 राशियों का यहाँ पर करोड़पति अरबपति योग बनेगा। वह 4 भाग्यशाली राशियाँ कौन कौन सी हैं जिनको तत्काल धन प्राप्ति का योग बनेगा और बाकी थोड़ा थोड़ा सभी राशियों की अपडेट मैं दूंगा। वीडियो के लास्ट में सभी राशियों के लिए उपाय भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो चलिए साथियों विषय में आगे बढ़ते हैं और पहले उन 4 भाग्यशाली राशियों की चर्चा मैं कर लेता हूँ जिनको इस टाइम में भारी धन लाभ होने वाला है। पहली राशि है मेष। मेष राशि से तृतीय भाव में पराक्रम में मंगल रहेंगे। आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा। आपकी कार्य क्षमता पहले से ज़्यादा हो जाएगी। भाई बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग मिलेगा। शास्त्र कहता है तृतीय षष्ठे एकादशे सर्वे पापग्रह सर्वारिष्टम निवारिये। 3, 6, 11 में गया हुआ क्रूर या पापग्रह व्यक्ति को तत्काल धन लाभ कराता है। दूसरी राशि है यहाँ पर सिंह। सिंह राशि से एकादश भाव में मंगल गोचर करेंगे। आपकी इनकम के यानी कि धन आने के, पैसा आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके लिए यह मंगल का गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। तीसरी कन्या राशि यहाँ पर है, आपके लिए भी धन लाभ के योग बनेंगे। और चौथी मकर है। मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन 6ठे भाव में आपके मंगल रहेंगे। तो बात बिल्कुल साफ सुथरी है कि आपको ऋण, रोग और शत्रु इन तीनों से छुटकारा मिलेगा। जिन साथियों को पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है, लॉन्ग टाइम चलने वाली कोई प्रॉब्लम है, वो समाप्त होने के योग बनेंगे। कर्जा आपने ले लिया है, कर्ज समाप्त होने के योग बनेंगे। और आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं बेवजह, तो वह भी चैन से बैठ जाएंगे। अब बाकी 8 राशियों के अपडेट भी मैं आपको दे देता हूं। शुरुआत करते हैं वृषभ राशि से। वृषभ राशि वाले जातकों को अगर गले से ऊपर कोई बीमारी है तो बेहद सावधान हो जाने की आवश्यकता है। मिथुन राशि में मंगल रहेंगे, क्रोध की अधिकता आपके जीवन में रहेगी। तुला वालों से 7वें भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं पत्नी से मनमिटाव, प्रेमिका से मनमिटाव का योग बनेगा। वृश्चिक वालों के लिए सबसे ज़्यादा मंगल यहाँ पर गलत रिजल्ट देंगे, एक तरह से कहना चाहिए कि सही रिजल्ट नहीं होंगे। अष्टम भाव में है, आकस्मिक दुर्घटना का योग बनेगा। और कुंभ से 5वें स्थान में होने पर बुद्धि में तेजी थोड़ी रहेगी, डिसीजन पावर आपके साथ नहीं देगी, क्रोध की अधिकता रहेगी। और मीन राशि वाले जातकों से 4थे भाव में आकर के प्रबल तरीके से अस्थायी मांगलिक योग यहाँ पर बनेगा। तो बाकी जो 8 राशियों की चर्चा मैंने बाद में की, आप सभी 8 राशि वाले जातकों को कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ आदि करके मंगल का उपाय करना चाहिए। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे